हेलो स्टूडेंट, मैं मुन्ना कुमार और आपका चैनल क्लियर स्टडी पे मैं फिर से उपस्थित हो गया हूँ। आज आपको पॉलिटेक्निक के लिए 5 न्यूमेरिकल बताने वाला हूँ, जो हर बार बताता हूँ। आज भी आपको 5 न्यूमेरिकल बताऊंगा जो 25 नंबर में आता है बाबू, इसलिए इस न्यूमेरिकल को पूरा का पूरा रिविजन करना बहुत ही जरूरी होता है। तो आप इस न्यूमेरिकल को पूरा रिविजन करिएगा, ठीक है? ये ज्यादा मिनट के नहीं होते, मात्र 5 से 7 मिनट के बीच में होता है और आपको ये देख जाता है 25 नंबर। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं बाबू, ठीक है? चलिए, कह रहा है यदि 250 ग्राम की गेंद 19.6 ऊर्जा दी जाए, जूल ऊर्जा दी जाए, ठीक है, 19.6 जूल ऊर्जा दी जाए तो वह कितना ऊपर उठेगा, ठीक है? तो देखिए, पहले आप देख लीजिए ग्राम एम कितना दिया है। यहाँ पे एम दिया है 2.50, ठीक है। अब इसको केजी में बदल लीजिए तो क्या होता है, केजी में हो जाएगा, इसको भागा दीजिएगा 1000 से तो 0. तो हो जाएगा 2.5 केजी, ठीक है। स्थिति ऊर्जा कितना दे रखा है, ईपी 9.6, ठीक है। चलिए, और बाकी तो आपको हाइट निकालनी है, ये निकालना है, और जी आपको पता है, स्मॉल जी होता है बाबू 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो सूत्र हो गया ईपी बराबर mgh, ईपी का मान दिया है 19.6, एम का मान है 25/100, आप लिख सकते हैं। यहाँ पे जी का मान है बाबू 9.8 × h, ये अभी नहीं पता है, तो 25×100 1.7 से 1.7 खत्म, यहाँ जो 1.7 से 1.7 खत्म, ये दुगुना कटेगा। 8 × 2 = 16, 9 × 2 = 21, ये 4 × 8, h बराबर क्या है, 4 × 8, h बराबर 8 मीटर हो गया, क्लियर। चलिए, तो इसका आंसर आ गया 8 मीटर, क्लियर। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, चलिए, 19.6 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक पत्थर को छोड़ा जाता है, ठीक है, छोड़ा जाता है, तो पृथ्वी पर पहुंचने से ठीक पहले इसका वेग क्या होगा। चलिए, यहाँ चट्टान से, ये चट्टान है, यहाँ से पत्थर को छोड़ा जा रहा है, तो चलिए इस समय यू क्या हो गया, 0, भी नहीं पता, और टी कितना होता है, टी नहीं पर, टी तो इसमें जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे जी कितना है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और कितना ऊंचाई है, हाइट कितना, यानी कि एस कह सकते हैं, यहाँ पे एस कितना है, 19.6 मीटर ऊंची, तो भी स्क्वायर बराबर होगा यू स्क्वायर प्लस 2 AS, ठीक है, यू क्या हो गया, 0 हो जाएगा, प्लस 2 × a का मान क्या है बाबू, जी का मान 9.8, ठीक है, और एस का मान कितना है, 9.6, 19.6। चलिए, तो भी स्क्वायर बराबर आ गया आपका 8 × 16 = 9 × 18.6, आप घूमने 19.6 ऑलरेडी पहले से है, तो भी इसका बराबर क्या है, √19.6 × 19.6, तो भी इसका बराबर क्या हो गया, 19.6 मीटर प्रति सेकेंड, आप कर सकते हैं इसको, तो क्या आ जाएगा, 19.6 मीटर प्रति सेकेंड इसको, ठीक है। चलिए, एक वस्तु के अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, वस्तु को कहाँ रखा गया, अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। अगर दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब का स्थान क्या होगा। तो ऐसे वस्तु जैसे, जब ऐसे सवाल आते हैं ना, ज्यादा का अंतर ना हो तो इसके लघुतम को ही आंसर मान लेते हैं, ठीक है, वो देखते बताते हैं।
चलिए फिलहाल देखते हैं यू क्या है यहाँ पर। वस्तु की दूरी है 15 सेंटीमीटर और फोकस अवतल दर्पण अंतर है तो माइनस हो जाएगा क्योंकि वस्तु ए माइनस में होता है। फोकस दूरी ये दर्पण के पीछे से भी माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस 10 सेंटीमीटर। और ये हमारा भी हमें चाहिए। चलिए 1 by u + 1 by v = 1 by f, तो हमें चाहिए कब भी चाहिए वो भी चाहिए, तो क्या हो जाएगा 1 by f - 1 by u, ठीक है। चलिए यहाँ f का मान कितना है 1/10 माइनस, ये माइनस ये रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 15 प्लस। लघुत्तम ले लीजिए तो लघुत्तम निकालिएगा तो आएगा कितना 30, इससे भाग दीजिएगा -3 और इससे भाग दीजिए तो +2, तो क्या आ गया 1 by v = क्या आया 1 - 1/30 अर्थात v = 30 - मीटर, ठीक है, सेंटीमीटर। अर्थात ये दर्पण तो अवतल है तो इसलिए प्रति माइनस में आया तो भी बराबर हो गया 30। तो ऐसे जब हिसाब आए ना, ज्यादा का अंतर ना हो, अंतर उसी में आ रहा हो, तो उसके बाद उसका लघुत्तम निकाल लेते हैं। दोनों का लघुत्तम 30 होता है, आंसर मान लेना है 30, ठीक है। ये दोनों का लघुत्तम बाद में जब ऐसे हिसाब आए तो दोनों का लघुत्तम निकाल लेना 10, 30, ठीक है। और 10, 5 का लघुत्तम होता है 5 × 5 = 5 × 10 = 3 × 6 = 25, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे भी आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, या चाहे तो आप ऐसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा बाबू, एक विद्युत बल्ब का प्रतिरोध लिखा है, एक विद्युत बल्ब पर लिखा है 60 वाट 220 वोल्ट, तो इस तंतु का प्रतिरोध ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए वाट मतलब पावर हो गया, पी हो गया 260 वाट, भी हो गया 220 वोल्ट, आपको आर ज्ञात करना है। तो पावर बराबर होता है v² / r, तो हमें आर चाहिए तो v² / p हो जाएगा, ठीक है। तो पी आर बराबर हो गया 220 × 220 क्या हो जाएगा 60, ठीक है। तो 0 से 0 खत्म, 3 × 6 = 11 × 22, तो यहाँ हो जाएगा क्या, अगर 22 से 22 में गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 24, 20, 11 में 22 से गुना करोगे तो 24, यहाँ आ जाएगा ये 24 20/3, भागा लगाओगे 8 × 3 = 24, ये 0 एगो डबल संख्या देते हो 0 दर्ज आएगा, 6 × 3 = 18.6 यानी कि r बराबर आया 8 × 6.6 ओमेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ऐसे सवाल आए तो उसको हल कर दीजिएगा। इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसका ये चीज़ें हो तो याद रहना जरूरी है। देखिए जिंदगी में कभी भी कंटिन्यू रहना बहुत जरूरी है। अगर आप रोज तैयारी करते हैं तो रोज तैयारी पढ़िए बाबू, ठीक है, एक दिन के पढ़ने से नहीं होगा। आप रोज पढ़ते तो रोज पढ़िए, ठीक है। सबसे पहले आप उठते समय अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित करिए, मुझे ये करना है आज, और उतना काम कंप्लीट करिए, ठीक है। और वीडियो देखते समय आप लाइक किया करो बाबू, ठीक है। देखिए यहाँ पे सवाल नंबर 5 है और आखिरी सवाल है, यदि ओम के किसी प्रतिरोध में 5 एम्पियर की धारा 20 मिनट के लिए प्रवाहित किया जाए तो ऊर्जा कितनी लगेगी, ठीक है। यहाँ देखिए 5 ओम के, सॉरी यदि ओम नहीं है वहां पे 5 ओम होना चाहिए बाबू, ठीक है, यहाँ पे 5 ओम होना चाहिए। 5 ओम के किसी प्रतिरोध में 5 एम्पियर की धारा 20 मिनट के लिए प्रवाहित किया जाए तब कितनी ऊर्जा होगी, 5 ओम है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा बाबू, ठीक है। चल
तो यहाँ पे ओम आर आ गया कितना 5 ओमेगा, ठीक है। आई कितना है 5 एम्पियर, और समय कितना हो रहा है, टाइम लग रहा है 20 मिनट, तो इसको सेकेंड में बदल दीजिए तो क्या हो जाएगा, 6 दुना 1200 सेकेंड, ठीक है। चलिए अब हमें ऊर्जा का व्यय निकालना है, ऊर्जा का व्यय निकालना है, तो I² RT हो जाएगा, I² RT, ठीक है। ठीक है, ऊर्जा का व्यय, या फिर आप इसको H बराबर भी कह सकते हैं, I² RT कह सकते हैं, ठीक है। तो I का मान कितना है 5, तो 2 बार कर दीजिए यहाँ पे, और एम्पियर आर कितना है, यहाँ 5 है तो 5, समय कितना लग रहा है, तो 1200, 1200, और ये सब आएगा जूल में, किसमें आएगा, जूल में। तो चलिए एक बार सब ये 15 नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, 50 25 25 25, यहाँ देखिए 12 25 60, और यहाँ पे 60 25 6 150, ठीक है, 25 6 150, यानी कि 15,000 जूल हो जाएगा, ठीक है, 15,000 जूल हो जाएगा। इकाई दाई 17,000 10,000 लाख, 1,50,000 जूल हो जाएगा इनर्जी, ठीक है, ऊर्जा का व्यय हो जाएगा इतना सेकेंड में।